देखिए गाइस, ये काली मूर्ति बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस। काली ठाकुर का मूर्ति सबसे बड़ा मूर्ति है गाइस। इसमें पूरा पॉलिशिंग हो चुका है, फेस में कलर किया जा रहा है काली माँ का। Hey guys, welcome to Bonnie's Station and you are watching Bonnie Vlogs. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज है 27th of December और आप लोग को तो thumbnail देख के पता चल गया होगा कि कहाँ आया हूँ मैं। मैं आया हूँ आज कुमार टूली में, जो कि मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है गाइज। पोष काली पूजो जो कि आपका जनवरी का 2nd में है या फिर 6 तारीख में, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी पोष काली पूजो एक काली पूजा होता है जो कि पौष मास में होता है। बंगाली में आपका जनवरी का एक डेट होता है उसको पौष मास बोलता है, तो वो पौष मास में ये काली पूजा होता है। तो गाइस चलिए, ज़्यादा मैं एग्जैजरेट नहीं करवा के मैं क्या क्या काली ठाकुर हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुमार टूली में। और देख ही पा रहे हो मेरे पीछे गाइस, एक काली ठाकुर ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ रंग बाकी है। तो गाइस चलिए, बहुत कम ठाकुर हुआ है बट ये व्लॉग आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ। फिर से मैं आ गया हूँ कुमार टूली में, तो गाइस चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। देखिए ये काली ठाकुर बन चुका है ऑलरेडी, इसमें रंग करना बाकी है। ये काली ठाकुर देखिए गाइस, इधर भी बन रहा है और ये देखिए गाइस, शाखा पौला पहनाया गया है, चूड़ी जो होता है। तो गाइस चलिए, अभी मैं कुमार टूली के अंदर जाऊंगा, जो कि ये रास्ते से आप लोग आके देखिए, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड से कुमार टूली का एंट्रेंस मिलेगा। बहुत ही खाली है बिकॉज पौष काली पूजा बहुत कम होता है। तो चलिए गाइस, अंदर जाता हूँ ये गली के अंदर कुमार टूली में, और कैसा क्या ठाकुर बन रहा है पौष काली पूजो के लिए, सब कुछ इन डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा। सो गाइस देखिए, अंदर घुसते ही मुझे सबसे पहला एक ये ठाकुर मिला। ये ठाकुर छोटा है बट देखिए काफ़ी सुंदर है गाइस। ये बहुत ही कम ठाकुर ऑर्डर हुआ है पौष काली पूजो का, इसलिए साइड में एक ठाकुर बन रहा है जो कि पौष काली पूजो के लिए ही है। देखिए भैया बनाते हुए, आप लोग देख पा रहे हो गाइस, काम चल रहा है, देखिए सही से। गाइस देखिए, ये सब छोटे छोटे मूर्ति है, मुझे पता नहीं चल रहा ये किस चीज़ का मूर्ति है, बट देखिए कितना क्यूट लग रहा है और कितना सुंदर है। गाइस देखिए गाइस, इधर एक काली मूर्ति बन रहा है, मतलब दो काली मूर्ति बन रहा है, आप लोग देख पा रहे हो। देखिए ध्यान से देखिए, ये चाचा काम करते हुए, देखिए ये सांप बना रहे हैं, इधर से मट्टी लेकर के काम हो रहा है पूरा गाइस, आप लोग देख पा रहे हो। कत दिन एगुलो रेडी हो काकू, एगुलो रेडी कत दिन हो, पूजो कब? सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, देखिए इधर भी गाइस मूर्ति है काली माँ का, इधर दो मूर्ति है। बहुत ही कम ऑर्डर हुआ है इस साल बिकॉज ज़्यादा पौष काली पूजो नहीं होता है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो। देखिए ध्यान से, जितना हो सक रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सो गाइस देखिए, ये ठाकुर के ऑपोजिट में ही दो छोटा छोटा काली मूर्ति बन रहा है। देखिए इधर रामकृष्ण परमहंस देव का भी ये बन रहा है गाइस, मतलब ये भी पूजा का ही पाठ का है, आप लोग को पता चल रहा है। और गाइस देखिए, ये है सियाल, देखिए गाइस ये सब बन रहा है गाइस मूर्ति, आप लोग देख पा रहे हो सही से। सिनेमैटिक शॉट्स में तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है बट इधर देखिए गाइस, सब हाथ पैर लगाया गया है, देखिए सब कुछ अभी कच्चा है, ये सब धीरे धीरे सूखेगा। देखिए देखिए गाइस, बढ़ते बढ़ते इधर भी एक काली मूर्ति, देखिए गाइस बहुत सारा, ये तीन काली मूर्ति इधर है, काफ़ी छोटा काली मूर्ति है, घर के लिए बहुत आइडियल है। और एनीवेज पौष काली पूजा मैक्सिमम घर पे ही होता है गाइस, तो आप लोग देख पा रहे हो मूर्ति। देखिए चलिए गाइस, आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स का एंजॉय लीजिए। आप लोग देख पा रहे हो, देखिए ये गांधी जी का कितना बड़ा ये स्कल्पचर बन रहा है, देखिए गाइस काफ़ी बड़ा गाइस ये स्कल्पचर है। और ये देखिए गाइस, शिव भगवान इस साइड में, इधर डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर बन रहा है, बहुत ओकेशंस के लिए इधर सब कोई ऑर्डर देके जाते हैं। देखिए गाइस, ये सब मिट्टी का नहीं है, ये सब कौन सा मटेरियल का मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट दिन पता करके।
गाइस देखिए कितना शानदार ये गणेश भगवान बन रहा है। एटा की माटीर ताहले ओ ये अच्छा गाइस तो ये फाइबर का देखिए गणेश भगवान बन रहा है और इसमें अभी देखिए ये सब मिट्टी का कलर किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं जो दिखाया था गांधी जी शिव भगवान वो सब चीज़ फाइबर का है। आप लोग देखिएगा इस पूरा काम चल रहा है काफ़ी यूनिक है गाइस। देखिए पूरा देखने में लग रहा है मिट्टी का बट ये मिट्टी का नहीं है। देखिए मिट्टी का पेंटिंग किया जा रहा है तो ओ ये पुटिंग हो रहा है पुटिंग ये मिट्टी का पेंटिंग नहीं है। सॉरी देखिए गाइस ये पुटिंग है ये पुटिंग इधर लगाया जा रहा है ये मिट्टी का पेंटिंग नहीं है बट मुझे देख करके लगा इसलिए। मैं तो गाइस उतना जानता नहीं हूँ तो देखिए भैया ने बता दिया। भैया आपका नाम गौतम। भैया का नाम गौतम है। गोला में आ गया हूँ। देखिए ये गोला शोमीरपाल नाम का ये गोला है गाइज और आप देख पा रहे हो। मैं काहू को सिर्फ दिखाऊंगा मैं ठाकुर नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज ये अलाउड नहीं है। तो ये है समीर जी और समीरपाल का ये गोला है गाइज। इधर दो ठाकुर बन रहा है एक ठाकुर तो ये है और एक ठाकुर साइड में जो कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो अलाउड नहीं करेंगे। ये आप लोग ये देख पा रहे हो पौष काली पूजा का पहला काली मूर्ति मुझे दिख गया। आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ पूरा। देखिए गाइज ये पेंट किया गया है मतलब पेंट हो चुका है। सिर्फ इसमें शिव भगवान का जो गाइज आईज है वो सिर्फ ड्रॉ होना बाकी है और पॉलिशिंग थोड़ा बहुत करना बाकी है। और देखिए गाइज मेनली जो शाखा पाला होता है देखिए गाइज ये साइड ये हाथ में ये हाथ में ये चारों हाथ में गाइज। आप लोग पौष काली पूजा का जो काली ठाकुर बनता है मुकट लगना बाकी है और कुछ कुछ अलंकार लगना बाकी है। उसके बाद ये ठाकुर पूरा रेडी हो जाएगा। यही ये भी घर का ही पूजा है। और हाँ गाइज मैं श्योर हो चुका हूँ 2nd of January पौष काली पूजा है तो मैं एकदम परफेक्ट आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो 2nd of January के पहले आप लोग आ जाइए कुमोटुली में तब आप लोग मूर्ति देख पाओगे। एनीवेज गाइस चलिए बढ़ते हैं। ये हालांकि ये मूर्ति मुझे काफ़ी पसंद आ गया है काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। देखिए इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फुटेज ले रहा हूँ। देखिए गाइस लोग देख पा रहे हो देखिए गाइस मेरे सामने एक फाइबर का कृष्ण भगवान मतलब कृष्णा जी बन रहा है। आप लोग देख पा रहे हो ये भी फाइबर का ही है। देखिए काकू पीछे काम कर रहा है मतलब कुछ एक पुटिंग का काम कर रहा होगा मुझे आइडिया इतना हो चुका है ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो देखिए गाइस कृष्ण भगवान इधर बन रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। ये काफ़ी बड़ा हाइट है। देखिए गाइज ये काली मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइज। आप लोग देख पा रहे हो मैं सामने आ गया हूँ। और देखिए गाइज इधर काम चल रहा है। ये देखिए गाइज ये डाकिनी जोगिनी का डाकिनी है और ये है असुर। आप लोगों को पता चल गया होगा प्रीवियस काली पूजा व्लॉग्स आप लोगों को दिखाने के बाद। और गाइज देखिए ये शेर गाइज बहुत ही बड़ा ये मतलब ये सबसे बड़ा मूर्ति है पौष काली पूजा में। ये काली ठाकुर का मूर्ति सबसे बड़ा मूर्ति है गाइज। चलिए मैं पीछे से भी आप लोग और एक बार दिखा रहा हूँ बिकॉज अभी लाइट आ चुका है गाइज। देखिए ये कितना बड़ा काली मूर्ति बन रहा है जो कि राखालपाल एंड सोन राखालपाल का गोला में बन रहा है। बहुत बड़ा बड़ा ठाकुर इधर बनता है गाइज। ये पौष काली पूजा के लिए ये काली ठाकुर बन रहा है गाइज। देखिए गाइज कितना बड़ा ये ठाकुर है गाइज। अभी तो लाइट जल गया है गाइज। देखिए पूरा हाथ का काम हो रहा है डाकिनी जोगिनी का। देखिए गाइज काफ़ी ये बड़ा स्ट्रक्चर का मूर्ति है। और गाइज देखिए काफ़ी काम हो चुका है बट हाँ हाथ बंधा हुआ है ये सब सुखाने के लिए सब रखा गया है। बहुत बड़ा काली मूर्ति है गाइज। देखिए ये बहुत मतलब कुमारटुली का सबसे बड़ा पौष काली मूर्ति है। देखिए गाइज आप लोगों को मैं पीछे से ही दिखा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा है मैं सामने जा नहीं पा रहा हूँ। देखिए काफ़ी गाइज ये अट्रैक्टिव है। इसमें जब रंग लगेंगे गाइज काफ़ी ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। देखिए मैं ज़रूर से ज़रूर आके मैं ये तो दिखाऊँगा आप लोगों को बट इधर से गाइज आप लोग देखिए और मज़े लीजिए गाइज। देखिए काफ़ी इधर गाइज बड़ा मूर्ति है गाइज ये पौष काली ठाकुर का ये मूर्ति। देखिए गाइज देखिए ये एक मूर्ति बन रहा है ये भी काली ठाकुर है मैं 100% श्योर हूँ। ये एक दूसरा तरह का मूर्ति है इसमें अभी भी सर नहीं लगा हुआ है बट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए गाइज ये एक काली मंदिर है उधर का ही मूर्ति बन रहा है गाइज। आई गेस तारापीठ का तारा माँ जो होता है वही बन रहा है। देखिए गाइज आप लोगों को ये समझ में अभी तो नहीं आएगा शायद और जिनको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बोल दीजिए कि कहाँ का काली पूजा है मतलब काली ठाकुर का मूर्ति बन रहा है तो मुझे भी ये जानना है।
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस। देखिए और एक काली ठाकुर का मूर्ति आ गया है, जो कि सेम वो बड़ा काली ठाकुर का ही छोटा वर्शन आप लोग बोल सकते हो। देखिए गाइस इधर भी शेर है, काली माँ, और देखिए गाइस ये है डाकिनी और ये साइड है जोगिनी, ये है असुर, ये साइड भी असुर है, और इधर गाइस शिव भगवान है। काफी बढ़िया है ये आर्ट, देखिए गाइस आप लोग देख पा रहे हो पूरा काम। देखिए काली ठाकुर का तो मुंह ऑलमोस्ट मतलब फेस सूख गया है, तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस इधर पौष काली के लिए यही काली पूजा है, मतलब काली ठाकुर है। तो आप लोग देखिए गाइस काफी सुंदर लग रहा है गाइस, काफी ये अलग 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 टाइप का ये मूर्ति दिख रहा है गाइस इस बार भी, देखिए वैरायटीज। और गाइस देखिए इस साइड भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इसमें वाइट कलर का ये पेंट लगते हुए ये भी काली मूर्ति है, काली ठाकुर ही है, बन रहा है गाइस। और ये अलग टाइप का थोड़ा ये मूर्ति है, देख पा रहे हो गाइस ये मूर्ति पूरा काम चल रहा है, भैया देखिए काम करते हुए, देखिए काफी गाइस गॉर्जियस, मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगता है, आप लोग आगे देख के जाओ गाइस। देखिए गाइस ये फेस में पेंट किया जा रहा है काली माँ का, नॉट काली माँ का गाइस, ये जो मुंडू है देखिए गाइस ये साइड में जो इसका पेंट किया जा रहा है गाइस। तो गाइस देखिए ये फेस में कलर किया जा रहा है काली माँ का, देखिए गाइस एकदम एक्सक्लूसिव है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो पौष काली पूजा का काली ठाकुर पेंटिंग हो रहा है। देखिए गाइस काफी ये पेंट ध्यान से किया जा रहा है, और ये ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू स्काई कलर का ये पेंट। मेरे साइड में गाइस देखिए ये और एक काली मूर्ति है गाइस, इसमें भी ऐसा पेंट लगेगा, देखिए गाइस पूरा पेंट का काम हो रहा है, देखिए गाइस हाथ में कितना ये ध्यान से ये पेंट किया जा रहा है जो स्काई कलर है गाइस, देखिए आप लोग पूरा ये कलर पेंटिंग मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, बिकॉज मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया आज आप लोगों को, बिकॉज ज़्यादा मूर्ति बनाई नहीं है, पर देखिए गाइस मूर्ति कैसा बनता है वो तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस हाथ में पूरा पेंट किया जा रहा है। गोला में आ चुका हूँ, देखिए गाइस इधर भी दो मूर्ति बन रहा है काली माँ का, काफी गॉर्जियस है, कलर डालने के बाद तो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लगेगा, आप लोग देख पा रहे हो गाइस जितना काली मूर्ति में हुआ है मैं सब चीज आप लोगों को दिखा दिया हूँ, हर चीज हर एक काली मूर्ति आप लोगों को दिखा दिया हूँ, एक भी मिस नहीं किया गया है। देखिए गाइस ये भी काली मूर्ति काफी सुंदर है घर के लिए, पीछे जो ये चालचित्र है गाइस, चालचित्रों का काम देखिए गाइस कितना अच्छा ये डिजाइन है, देखिए काफी ये गॉर्जियस डिजाइन है ये ठाकुर, हालांकि चालचित्रों में नहीं आ रहा है। गाइज मैं आप लोगों को दिखा दे पौष काली पूजो का पहला जो प्रिपरेशन है, 2 तारीख पूजा है 2nd of January। तो गाइज चलिए मैं फिर आऊंगा जब रेडी हो जाएगा, मैं फ्राइडे को आऊंगा बिकॉज सैटरडे को सब ठाकुर इधर से डिलीवरी के लिए निकलेगा। तो कैसा क्या प्रिपरेशन रहता है सेकेंड व्लॉग ये चैनल में ही आ रहा है, तो आप लोग वेट कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक व्लॉग आप लोगों को नोटिफिकेशन में आएगा और आप लोग देखोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हियर बॉनी व्लॉग्स साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।